तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस मोल्डिंग का तीसरा भाग लेकर के मैं आ गया हूं। दो भाग मैंने इस मोल्डिंग से जुड़ी हुई वीडियो डाल दी है। नहीं देखी है तो अभी तक जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए और वो वाली वीडियो देख लीजिए, तभी आपकी समझ में आएगा। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ये मोल्डिंग में जो गोला गुलाई जो दी गई है किस तरीके से दी गई है, आपको वही समझाने वाला हूँ। दोस्तों, जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, आप पहली बार आए हैं हमारी वीडियो पर, तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचाता रहता हूं। आपको अगर एक बढ़िया मिस्त्री बनना है और आपको नॉलेज लेनी है बिल्कुल मुफ्त, तो इसको मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करने से पहुँचता रहेगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ, चलते हैं वहीं देखते हैं मोल्डिंग किस तरीके से हम लोगों ने बनाई है। दोस्तों, यहां तक तो अपनी मोल्डिंग बना करके हम लोगों ने दिखा दी थी, आप लोगों को देख सकते हो सामने स्क्रीन पर। और ये बीच में जो गोला बना हुआ है, इसी का काम रह गया है, इसी को समझाने वाले हैं कि ये गोला किस प्रकार बनाया जाता है। दोस्तों, ये गोला जो बीच में बना हुआ है, जो हम लोगों ने 2 इंची पीछे हटकर और 2.5 इंची मोटाई में ये गोला लगा लिया है, और मैं जैसे मसाला लगा रहा हूँ आपको भी वैसे ही मसाला लगा लेना है। दोस्तों, आपको ऐसी पत्ती ले लेनी है जो सरिया बांधने के काम आती है, आपको भी वैसे ही करना है जैसे मैंने गोल कर ली है। पत्ती की मदद से आपको मसाला निकाल लेना है, फालतू जो मसाला लग गया है वो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
दोस्तों मोल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है। ये तीन भाग इस डिजाइन के बन चुके हैं। आपने वीडियो पहला भाग नहीं देखा है, दूसरा नहीं देखा है, तो आप जाइए मेरे YouTube चैनल पर, तो आपको वीडियो मिल जाएंगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, वहां से भी वीडियो देख सकते हो इसकी, मैंने कैसे ये मोल्डिंग बनाई है। पूरा कवर एरिया आपको बताया है, समझाया है, दिखाया है। दोस्तों यदि आपको भी ऐसी तरह की डिजाइन बनानी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी, क्योंकि मैं बहुत ही बारीकी से वीडियो के अंदर समझाता हूँ। We'll be right back.